गाइस यार यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया और एक शानदार हेड एंड शोल्डर हमको पैटर्न इसमें देखने को मिला है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर नेकलाइन के ऊपर एंट्री ले ली है। इस लेवल के आसपास देखो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ और फाइनली ये जो कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली है। एंड 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा जो फर्स्ट टारगेट होने वाला है 34,450 हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट 34,520 के आसपास टारगेट होने वाला और एक शानदार हमको कैंडल भी बिग ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको देखने को मिला। राइट, मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ प्राइस एक्शन और परफेक्ट लाइव मार्केट में आपको अभी ट्रेड करते हुए दिखा रहा हूँ। राइट, मैं अभी आपको पोजीशन दिखा देता हूँ, अभी लाइव प्रॉफिट या लॉस क्या चल रहा है। अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट देख सकते हो 5,000 के अराउंड अपना प्रॉफिट चल रहा है, 5,500 के आसपास। सो अगेन हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पर देख सकते हो कि परफेक्ट एक कैंडल देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस सिंपली हमारा होने वाला है इसके नीचे, तो मैं एक बार लगा लेता हूँ। यहाँ पर इसके आसपास हमारी एंट्री थी, देन स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है एंड ये दो टारगेट हमारे होने वाले हैं। देखते हैं कि टारगेट वन या टारगेट टू क्या अचीव होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा, जो भी होगा हम देखते हैं। राइट गाइस, यार यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीच में हमको एक बिग रेड कैंडल बिल्कुल रिवर्सल कैंडल एक देखने को मिली थी, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ एंड वापस अगेन हमको एक बिग अगेन ग्रीन कैंडल देखने को मिली। यानी कि ये दर्शाता है कि अभी मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेंथ है और हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। देखो ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं मैंने फर्स्ट टारगेट के आसपास, देन कुछ ही टाइम में हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो सकता है, हम कुछ प्रॉफिट अपना बुक करेंगे। अभी मैं अगेन प्रॉफिट लॉस दिखा देता हूँ थोड़ा सा हमको। आप देख सकते हो अभी 7,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है, 6,500-7,000 के आसपास। देन अगेन हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, फिर से थोड़ी रेड कैंडल दिख रही है इसलिए थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस डजन मैटर करता है, हमारी जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम या तो टारगेट पर हिट करेंगे या फिर लॉस लेंगे, या दोनों में इसके दोनों में से एक चीज़। अब हम मैक्सिमम हमारा लॉस होगा ब्रेक इवन तक हम निकल जाएंगे, हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा टारगेट वन से 50% हमारा अचीव हो चुका है टारगेट वन तक, तो ब्रेक इवन के आसपास हम निकल जाएंगे। अब हम इतना वेट नहीं करेंगे, बड़ा लॉस हम नहीं लेने वाले। राइट, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो इसी तरीके से आपको भी ट्रेल करते जाना है स्टॉप लॉस को एंड जो भी आपका टारगेट हो उस तक आपको वेट करना। राइट, आपको टारगेट को टारगेट से पहले आपको एग्जिट नहीं करना। राइट, यहाँ पर बीच में रेड कैंडल थी फिर भी मैंने उसको होल्ड किया है। गाइस यार यहाँ पर देखोगे अभी एक बिग रेड कैंडल हमको देखने को मिली थी, बहुत ही हेवी रिजेक्शन नीचे से हमको देखने को मिला है। अगेन वापस वो जो रेड कैंडल थी वो ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है और प्राइस हमारा जो फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो चुका है और काफ़ी बम्पर रैली होती हुई हमको नज़र आ रही, काफ़ी शानदार एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। तो ये दर्शाता है कि मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और हमारा टारगेट वन हिट हो चुका है गाइस। एंड मैं लाइव प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ अभी आपको। एंड हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है ऑलमोस्ट 12,000 के अराउंड हमारा प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो आप। एंड अगेन चार्ट पे देखें तो काफ़ी अच्छे इस क्लोजिंग पर हम डिपेंड करेगा कि प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी देन हम टारगेट टू के लिए वेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। अगर ये 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, यानी कि टारगेट 34,050 है इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ भी दिख रही है, डेफिनेटली इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकती है प्राइस क्योंकि नीचे से ऑलमोस्ट रिजेक्शन प्राइस लेने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है। एंड देन यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छी रैली होती है हमको नज़र आ रही, हमारा टारगेट वन डेफिनेटली हिट हो चुका है, अब हम प्रॉफिट कभी भी बुक कर सकते हैं। अगर कुछ भी रेड कैंडल हमको देखने को मिलती है, नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा, हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ऑलमोस्ट 50% आ चुकी है अपने सेकेंड टारगेट से, अभी 50% आ चुके उसके आसपास प्रॉफिट। अगर मैं आपको दिखाऊं अभी तो लाइव हो सकता है कि 12,500 के आसपास 13,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है अभी। एंड यहां पर देखोगे अगेन प्राइस में काफी बिग ग्रीन कैंडल, तो हम डेफिनेटली टारगेट टू का वेट करने वाले, अगर इसकी क्लोजिंग होने दीजिए एक बार उसके बाद डिसाइड करते हैं। राइट, अगेन आप अर्ली डिसाइड नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छी कैंडल हमको देखने को मिली, लास्ट दो कैंडल यहाँ पर नीचे से रिजेक्शन जो मिला है ना गाइज, उसके बाद मेरे को कन्विक्शन हो गया कि ये ट्रेड हमारा सेकंड टारगेट को भी हिट कर सकता है क्योंकि यहाँ से देख सकते हो नीचे से काफ़ी अच्छा रिजेक्शन मिला है प्राइस से, देन उसके बाद प्राइस में एक बूम करती रैली हुई हमको लाइव मार्केट में देखने को मिल रही। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हो आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी मार्केट में, देन उसके बाद देखो कितनी हेवी सेलिंग, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे जाने के बाद निफ्टी 300 पॉइंट नीचे चला गया था, ये तो और भी ज़्यादा गया था, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद अगेन रिवर्स हमको देखने को मिला है और काफ़ी अच्छा रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। सो गाइस यार मैं बार बार सिखाता हूँ कि अपने जो वीडियोस उनमें बताता हूँ कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, काफ़ी सिंपल तरीके होता है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम। एंड देन हमारा सेकेंड टारगेट हिट हो चुका है, बस इस कैंडल की क्लोजिंग का हम वेट करेंगे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है हम इमीडिएट एग्जिट करने वाले, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको हो रहा है, यहाँ पर रिजेक्शन भी हमको देखने को मिल रहा है। सो अगर ये थोड़ा सा भी रेड बनेगा तो डेफिनेटली मैं एग्जिट कर जाऊँगा क्योंकि
निफ्टी हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका है। आप देख सकते हो हमारा ऑलमोस्ट 0.50% हमारा आज का प्रॉफिट है और स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था एंड देन टारगेट हमारा काफ़ी बड़ा हुआ, यानी कि 1:2। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ, जो जेन्यून स्टार्टिंग से रिस्क टू रिवॉर्ड था वो था हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर था, ठीक है। मैं इसको सेट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर था और ये हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे था, राइट, यानी कि 1:2, 1:2.3 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था। एंड अब हमारा जो प्रॉफिट देखोगे कितना हैवी प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है गाइज, यार काफ़ी शानदार रैली। हमारा टारगेट 2 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई प्राइस। बस इस कैंडल की क्लोजिंग पर वेट कर रहा हूँ, एक भी रेड कैंडल अगर मुझे दिखेगी मैं इमीडिएट एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। हमारा टारगेट 2 डेफिनेटली हिट हो चुका है और यहाँ पर प्राइस में देख सकते हो कि जो ऊपर में इसकी वीक रिजेक्शन है जहाँ से स्टार्ट हुआ था मार्केट, वहाँ पर भी प्राइस आ चुकी है, राइट। तो काफ़ी शानदार हमको रैली देखने को मिली, एक शानदार हम नीचे में प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। ऑलमोस्ट 22,000 का हमारा प्रॉफिट अभी लाइव मार्केट में दिख रहा है, राइट। सो नीचे में दिखा देता हूँ मैं आपको, 23 के आसपास हो चुका है अभी। एंड यहाँ पर देख सकते हो हम सिर्फ वेट करेंगे, एक भी रेड कैंडल कुछ भी रिवर्स दिखेगा हम इमीडिएट एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हमें दोनों टारगेट हमारे यहाँ पर हिट हो चुके हैं। इससे ऊपर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी अगर जा रहा है तो डेफिनेटली हम कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, राइट। और कुछ भी नेगेटिव सिनेरियो दिखा था हम इमीडिएटली एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। इस काफ़ी शानदार प्रॉफिट हमको होता हुआ नजर आ रहा है, काफ़ी शानदार रैली हो रही, काफ़ी छोटा हमारा स्टॉप लॉस था एंड परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जिसका हमको रिवर्सल मैं सुबह से एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली नीचे की तरफ सेलिंग हो चुकी थी, देन अगेन प्राइस काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ मूव करती हुई हमको नजर आ रही है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी शानदार ऊपर की तरफ रैली होती हुई नजर आ रही है। सो देखते हैं ये क्लोजिंग हो रही है, ओके आई एम एग्जिट, ओके मैं अपना प्रॉफिट एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ पर, देन फाइनली बुक करते हैं क्योंकि उसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग नहीं दे पा रही ये वाली, ओके 20,000 पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ इसको, ओके डन, ओके गाइस चलो हो चुका है प्रॉफिट बुक हो चुका है। एंड देन फाइनली हमारा टारगेट 2 था, डेफिनेटली हिट किया एंड उससे ऊपर ही हमने प्रॉफिट को बुक किया। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो चुका। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे लाइव मार्केट एनालिसिस अगर आपको चाहिए, वीडियोस चाहिए लाइव मार्केट ट्रेडिंग के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं जिससे आपको हेल्प हो पाए लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करते, राइट। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे लेटेस्ट लॉजिकल ट्रेडिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो। गाइस यार हमको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे रिजेक्शन देखने को मिला था और हम इसमें एग्जिट कर गए थे, लेकिन गाइस यार एक चीज़ आपको समझनी होगी, जब आपको टारगेट हिट हो जाता है तो आपको उस टारगेट को रेस्पेक्ट करना होता है, क्योंकि उसके बाद भी देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छी रैली होती हुई नजर आ रही है और प्राइस अपने डे हाई को हिट करने वाली। लेकिन गाइस एक चीज़ आपको समझनी होगी, जो मार्केट में दिख रहा है वो सब कुछ आपका नहीं होता है, सिर्फ आपका एक सिस्टम होता है उसको आपको फॉलो करना होता है। देन हमारा जो यहाँ पर टारगेट था वो हिट हुआ, देन उसके बाद हमने थोड़ा सा वेट किया, अगर थोड़ा भी रिजेक्शन मिलेगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, सेम हमने एग्जिट कर दिया। अब उसके बाद भी रैली हो रही है लेकिन वो सब कुछ अपना नहीं है। और सो आज के इस डे के लिए बहुत हो गया, बस अब हम लैपटॉप को बंद करते हैं, ठीक है।